हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बड़ी भावनात्मक सी अपील। एक अभिभावक के तौर पर अपना ख्याल रखिए और देश के गरीब जरूरतमंद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देगी सरकार नवंबर तक। पहले ये योजना 30 जून तक थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर नवंबर तक इसको लागू कर दिया गया है। हर शख्स को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाएगा महीने में, और परिवार को 1 किलो चना मुफ्त दिया जाएगा। राशन मुफ्त, ये योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका विस्तार प्रधानमंत्री ने कर दिया है नवंबर तक। इसके तहत सरकार को 90,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे और कुल मिलाकर अब तक इस योजना पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। ये आंकड़ा प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा कि हमारे पास भरपूर अनाज है, मैं राज्य सरकारों से निवेदन करूंगा कि वो आगे आए, अब कोई कोताही ना बरतें। जिन राज्यों ने अभी तक धीरे काम किया है वो तत्परता दिखाएं और एफसीआई से जितना अनाज चाहे ले सकते हैं। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस समय मौजूद हैं। नीरज, ये किन सरकारों पर निशाना साध रहे हैं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान? जी बिल्कुल, कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया है। जैसे अगर आप बात करें तो पश्चिम बंगाल में काफी दिक्कतें आई इस योजना को लेकर। कांग्रेस की और भी कई राज्यों में जो सरकारें हैं वहां भी कई प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जो सबसे बड़ा इसका लबुलवाब ये रहा कि ज्यादातर राज्यों ने इस योजना को लागू किया था। एक बहुत बड़े प्रधानमंत्री ने आज ये कोरोना काल में जो तमाम मजदूर जो पलायन करके अपने क्षेत्र में गए थे, अपने गांव में गए थे, अभी भी उनके पास रोजगार की समस्या रही है, चाहे उनको मनरेगा के जरिए रोजगार लाभान्वित कराने के, लेकिन बहुत से ऐसे लोग अभी भी हैं जिनको वाकई रोजगार की जरूरत थी, उनके लिए एक बहुत बड़ी ये राहत है कि कम से कम उनके परिवार को। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट प्रदीप सिंह जी। प्रदीप सिंह जी, आपने तो सर 10 में से 10 नंबर हासिल कर लिया आज। यही आपने कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 30 जून डेडलाइन खत्म होने वाली है, उसे विस्तार दिया जा सकता है, और बिल्कुल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उसी का ऐलान किया है। सर बिल्कुल, रुमाना जी देखिए, मैं कह रहा था कि दो मुद्दे हैं इस समय, एक कोरोना को लेकर और दूसरा जो है चीन को लेकर। चीन को लेकर प्रधानमंत्री बोले ये हम सब लोगों की अपेक्षा थी, लेकिन उनकी जरूरत क्या थी वो किसे महत्वपूर्ण समझते थे, क्योंकि चीन की स्थिति बड़ी वोलेटाइल है। बॉर्डर पे जो स्थिति है उसके बारे में कोई अंतिम स्थिति नहीं बनी है, तो उस पर वो नहीं बोलना चाहेंगे इस समय। और दूसरी बात, ये योजना आज खत्म हो रही थी तो देखिए उन्होंने एक्सटेंड किया। अगर आप इसमें ढूंढना चाहें तो एक चुनावी पुट भी है इसमें, उन्होंने दो बार इम्फेसिस दिया छठ पूजा पर, एक त्योहारों का नाम लेते हुए, दूसरा इस योजना को बढ़ाने को लेकर कि छठ तक जारी रहेगी। बिहार में चुनाव है और छठ पूजा का बिहार में क्या महत्व है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है सर। वो खींचतान जो है एक योजना ये है, दूसरा इकोनॉमी खुल रही है। छठ पूजा नवंबर के आखिर तक, उस सब को जोड़कर सवाल पूछा जा रहा है कि साहब ये बिहार चुनाव से जोड़कर ऐलान किया गया है क्या? लेकिन मुझे लगता है कि हमको कहीं ना कहीं ये भी समझना चाहिए कि कोरोना जो एक बड़ी चुनौती है उसकी ओर भी आज प्रधानमंत्री की तरफ से ध्यान खींचा गया। शायद जब से अनलॉक वन हुआ, जो बात प्रधानमंत्री कह रहे थे अभिज्ञान प्रकाश कि हमें और सतर्क रहना चाहिए था, लेकिन हम तो लापरवाह से होते चले गए, तो उस दिशा में भी प्रधानमंत्री ने ध्यान खींचा और कहा अपना ख्याल रखिए। अभिज्ञान, दो तीन बातें बहुत जल्दी से। चीन का कोई जिक्र नहीं हुआ, मैंने आपसे कहा था मैं भी यही उम्मीद कर रहा था। प्रदीप जी ने कहा कि देखिए, और हम दोनों ये बात कर रहे थे कि ये जो अन्य योजना है इसको आगे बढ़ाया जाएगा, मैंने आपके सामने ये पॉइंट रखा और प्रधानमंत्री ने भी वही बात कही, क्योंकि ये बारिश का सीजन है। अब इसको राजनीति से जोड़कर देखा जाएगा, वो एक अलग बहस का विषय है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए क्योंकि अभी के अगले 3-1 महीने उनके लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जो अपने गांव खेत वापस पहुंचे हैं उनके लिए बहुत बहुत जरूरी थे। लेकिन एक पॉइंट आज मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा रुमाना, और उसका जरूर मैं मेंशन करूंगा, और मेरे ख्याल में इस देश का मध्य वर्ग और टैक्स पेयर जो है वो भी आज सुन रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने
उनको धन्यवाद दिया और कहा कि अगर सरकारें बड़ी योजनाओं में या क्राइसिस में पैसे खर्च कर पाती हैं या पैसे दे पाती हैं जिनको जरूरी है तो ये पैसा हमारा होता है। मैं आपको रोक रही हूँ, जरा सा प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं जरा सुनाते हैं। बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनको पहले बताना चाहिए यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, कोई भी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। और अगर बिहार मॉडल अगर अडॉप्ट कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी तो आप समझिए कि कोरोना का भय ही नहीं रहेगा किसी को। सारी चीजें जो हैं बिहार में ऐसी स्थिति है, आईएएस को हो रहा है, आईपीएस को हो रहा, अब तो मंत्री को हो गया। और एक दिन पहले शादी होती है, अगले दिन दूल्हा की मृत्यु हो जाती है और उसके वजह से 150 बरातियों को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। जांच की संख्या में सबसे धीमी गति से जो है, सबसे फिसड्डी अगर कोई है जांच कराने में तो बिहार सरकार है। ना रैंडम टेस्टिंग हो रही है, एकमात्र डेडिकेट